हेलो एवरीवन, बायो का पेपर और इसकी मैं आंसर की डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, सेट बी की। देखिए बच्चों, सेट बी के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो मीजल्स एंड स्केल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है और इस एक्सपेरिमेंट में आपसे जो स्टेप पूछे गए हैं उनको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो मीजल्स एंड स्केल ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले किया था उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया था, किसके अंदर? नाइट्रोजन 15 मीडियम में बहुत सारी जनरेशन तक, ठीक है। उसके बाद सभी बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ था? N15 इनकॉर्पोरेट हो गया था। फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया, किसके अंदर? N14 के अंदर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सी है, ठीक है। पहले स्टेप कौन सा फॉलो हुआ? थर्ड वाला। फिर स्टेप कौन सा फॉलो हुआ? फोर्थ वाला। फिर स्टेप हुआ फर्स्ट, फिर स्टेप कौन सा हुआ? सेकेंड। और फिर स्टेप कौन सा हुआ? फिफ्थ वाला। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? सी ऑप्शन है। मिजेलसन स्टेल एक्सपेरिमेंट में एनसीईआरटी बुक में ये बड़ा ही बेहतरीन डायग्राम आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से रिलेटेड। एनसीईआरटी में एक बहुत सुंदर सा पिक्चर दिया हुआ है इवोल्यूशन के चैप्टर में, जिधर एक तरफ है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, दूसरी तरफ है प्लेसेंटल मैमल, और उनमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है। सो इट राइट आंसर विल बी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अडैप्टिव रेडिएशन इन टू डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर। उसके बाद ये आपका आ गया सेकंड चैप्टर से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पेरिस्पर्म जो होता है वो भैया आपको मिलेगा किसके अंदर? ब्लैक पेपर के अंदर। रेजिडुअल पेरिस्पर्म जिसको हम कहेंगे, थैलेमस बनाता है फ्रूट का हिस्सा स्ट्रॉबेरी के अंदर, पेरिकार्प आपको मिल जाएगा मैंगो के अंदर, और एंडोस्पर्मिक सीड होता है मेज। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन बच जाएगा पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म इज ब्लैक पेपर, सेकेंड का ये आ जाएगा आपका आंसर बी, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, पेरिस्पर्म, ब्लैक पेपर, थैलेमस, स्ट्रॉबेरी। हाँ, दिस वन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वैसेक्टोमी से रिलेटेड था। वास डिफेंस को कट करेंगे तो यहां से वास डिफेंस कट होगा, तो कौन से पॉइंट से कट करेंगे हम? क्यू पॉइंट पे। आंसर विल बी सी, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन से हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं कौन से फेज में? ओवुलेटरी फेज में। और बात हो रही है नॉर्मल फीमेल की, तो इसके अंदर आप जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हो तो FSH और LH हार्मोन का लेवल क्या होता है? हाई होता है ड्यूरिंग द ओवुलेटरी फेज। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बट इट्स नॉट एन ऑटोट्रोफ। ये बड़ा ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों। ओसिलिटोरिया, एनाबिना और नोस्टोक, ये तीनों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। जो राइजोबियम है वो ऑटोट्रोफ नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो इसका भी ऑप्शन आ जाएगा। पीसीआर के अंदर ये पूछा गया है कि कौन से स्टेप्स इसके अंदर, द गिवन स्टेप में से कौन सा स्टेप करेक्ट है? तो इसमें स्टेप नंबर सेकेंड सही है और स्टेप नंबर थर्ड सही है। स्टेप नंबर सेकंड में ये है कि यहाँ पे डीनेचुरेशन होगी फॉलोड बाय एनीलिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है। कौन कर रहा है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, आंसर विल बी बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। उसके बाद मैं चलता हूँ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पे। सवाल पूछा गया है तो बच्चों इसका जो, इस बच्चे का डीएनए फिंगर प्रिंट है वो एक तो इंडिविजुअल वन से मैच करता है और इंडिविजुअल थर्ड से मैच करता है। तो इस एक्स बच्चे के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो कौन है? इंडिविजुअल वन और इंडिविजुअल थर्ड। आप इन बैंड्स को क्या कर सकते हैं? मैचिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो आंसर विल बी फर्स्ट। उसके बाद आगे चलता हूं मैं। इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, किसके रिगार्डिंग? टी लिम्फोसाइट्स के रिगार्डिंग। तो इसमें टी लिम्फोसाइट व्हाइट WBC की टाइप होती है, सही बात है, बोन मैरो में बनती है, हमेशा एक्टिव रहती है, लेकिन वो बोन मैरो में मैच्योर नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट आंसर। इसमें एज पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सॉरी एज पिरामिड के नहीं, इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर। अच्छा, तो इसमें यह है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इसमें ग्रास, ग्रास इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें, तो इस ऑप्शन को आप छोड़ देंगे। अच्छा, ग्रास के बाद संख्या कम है, ग्रास के बाद अगर मैं गोट की बात करूं, ठीक है, रैबिट्स,
रैबिट के बाद फॉक्स का नंबर क्या होगा, कम है, लेकिन इसमें जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल है T1, T2, T3, T4 के ऊपर बहुत ज्यादा संख्या में है, तो बहुत ज्यादा संख्या में ना तो टाइगर हो सकते हैं, ना चीता हो सकते हैं, ना स्नेक हो सकते हैं। तो ये फिलिया क्या होते हैं, एक तरह का आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट टाइप का होता है ये, जो क्या करता है एनिमल की बॉडी के ऊपर क्या रहता है एज ए पैरासाइट ये रह सकता है। तो इसमें बच्चों थर्ड ऑप्शन मोस्ट सुटेबल है, ये ग्रास होगी, इसके ऊपर ये रैबिट्स हो गए, ये फॉक्स, और फॉक्स की बॉडी के ऊपर क्या है ये फ्लिया, सी इज द राइट ऑप्शन। ये बड़ा ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हैबिटेट लॉस, इंसानों ने, ह्यूमन सेटलमेंट ने हैबिटेट को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है, तो छोटे छोटे पैच और बड़े बड़े पैच में क्या डिफरेंस होगा। तो इसमें पॉपुलेशन लार्ज एनिमल की घट जाएगी, बायोडाइवर्सिटी भी घट जाएगी, और कंपटीशन फ्रॉम द सराउंडिंग हैबिटेट इंक्रीजेस। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा पहला ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा क्या है, टिपिकल क्वेश्चन है, असर्शन रीजन पे आ जाते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में टॉल और ड्वार्फ के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो एफ टू जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ का रेशो 3:1 आता है, ये बात बिल्कुल सही है। देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स कैरेक्टर, ये बात भी सही है, और ये रेशियो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होती, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती नहीं है, तो ये रेशियो आता है। तो ये बात असर्शन भी सही है, इसका रीजन भी सही है, ऑप्शन क्या जाएगा ए। अच्छा ये क्वेश्चन 14 वाला, होमो सेपियंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजी लाइक एंसेस्टर, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो इसमें रीजन दिया है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन साइटोक्रोम सी, ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया है, आउट ऑफ बॉक्स ले लिया है इन्होंने, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा और चिंपांजी का जो साइटोक्रोम सी प्रोटीन है उसके अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेक करें तो वो हमारी और चिंपांजी की बिल्कुल सेम होती है, तो इसका मतलब हम कहाँ से आए, हमारे जो एंसेस्टर थे वो कैसे थे, चिंपांजी लाइक एंसेस्टर थे, तो बिल्कुल सही बात है, होमो सेपियंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपांजी लाइक एंसेस्टर बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन साइटोक्रोम सी। तो इसका ऑप्शन बच्चों आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन ए, होमो सेपियंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजी लाइक एंसेस्टर बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन साइटोक्रोम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग इज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर एज इज एसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न्स, ये बिल्कुल सही बात है। कोलेस्ट्रॉम जो होता है, जो इनिशियल मिल्क होता है मदर का, वो इनिशियल डेज में उसमें ये एंटीबॉडीज नहीं होती, ये बात गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें सी, कौन सा ऑप्शन आ जाता है भाई सी। क्वेश्चन नंबर 16 में, मोनार्च बटरफ्लाई बहुत ही कड़वी होती है खाने में, सही बात है, बटरफ्लाईज की जो स्किन है वो रफ होती है, ऐसा कुछ नहीं, इसकी बॉडी में पॉइजनस केमिकल क्या हो जाते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं, तो असर्शन इसका सही है, रीजन क्या है इसका गलत है, तो इसका ऑप्शन भी क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।